चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब अगर जानकारी नहीं है चीजों की तो गुमराह करने से राजनीति नहीं होती। तो हम इलेक्शन कमीशन को भी ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपके पास किसी प्रार्थना पत्र के साथ आता है तो कृपया कृपया कोई कार्रवाई न करें जब तक हमको न सुने। तो उसी रिव्यू के लिए हम उनके स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूँ आपके साथ सौरभ राज। लोक जनशक्ति पार्टी दो फाड़ में है, दोनों कानूनी लड़ाई लड़ने को तैयार है। मेरे साथ चिराग पासवान के करीबी एके बाजपेयी साहब है, इनसे जानेंगे कि आखिर कैसे चिराग पासवान लोजपा को लेकर के कानूनी लड़ाई आगे लड़ेंगे। सर, जिस तरीके से पार्टी दो फाड़ में है, दोनों बंगला के ऊपर दावा कर रहे हैं, आखिर किसका अधिकार है, किसका दावा? ना, कोई दो फाड़ में नहीं है। 99% पार्टी का स्ट्रक्चर, पार्टी का जो संगठन के पदाधिकारी हैं, नेशनल एग्जीक्यूटिव, नेशनल काउंसिल, सेंट्रल ऑफिस ब्यूरर, सारे सेल जी, वो हमारे साथ हैं, चिराग पासवान जी के साथ हैं। और चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जी, और सारी कार्रवाई जो भी हम लोगों की होती है वो बाकायदा निर्वाचन आयोग के संज्ञान में होती है और सब चीज़ कानूनी है। हाँ, हम लोगों ने उनको निष्कासित किया था पार्टी से, 5 सांसद और 3-4 ऑफिस बेरर। उनके बाद उन्होंने उछल कूद मचाई और चाह रहे हैं कि पार्टी पर हम कब्जा करें और गुमराह कर रहे हैं देश की जनता को। इसलिए वो उनका पार्टी के नाम को मिसयूज ना करें, अपील भी करते हैं कि इस तरह का भ्रम न फैलाएं जनता के बीच में कि वो अध्यक्ष बन गए या पार्टी उनकी हो गई, कानूनी सलाह ले लें ना किसी से। मतलब अगर जानकारी नहीं है चीज़ों की तो गुमराह करने से राजनीति नहीं होती, कानून के गुमराह से राजनीति नहीं हो सकती। पशुपति पारस लगातार ये दावा कर रहे हैं कि बहुमत उनके साथ है। आप लोगों के साथ बहुमत नहीं है, सांसद भी उनके साथ है, कार्यकारिणी के सदस्य भी उनके साथ हैं। दावे के साथ हमारे पूरे संगठन का जो ढांचा है उसमें से सिर्फ 9 पदाधिकारी उनके साथ हैं, बाकी कोई नहीं है। तो ये कहते हैं तो सर्वथा गलत कहते हैं और भ्रमित करते हैं। आप लोग चुनाव आयोग जा रहे हैं सर? चुनाव आयोग, हम किसी के लिए अपना कोई रिलीफ मांगने नहीं जा रहे हैं। हमारी पार्टी रजिस्टर्ड है उनके पास। हम लोग सिर्फ इसलिए जा रहे हैं कि जिस तरह से लोकसभा स्पीकर महोदय ने एक ऑर्डर पास कर दिया बगैर हमारी जानकारी के, बगैर हमें सुने हुए, बगैर हमको नोटिस किए हुए, तो हम इलेक्शन कमीशन को भी ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपके पास किसी प्रार्थना पत्र के साथ आता है तो कृपया कृपया कोई कार्रवाई न करें जब तक हमको न सुने, और हम किसी लिए उनके पास नहीं जा रहे। यानी कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी पूरी जानकारी नहीं ली आपके पार्टी के संविधान को लेकर? ये बिल्कुल रिकॉर्ड की बात है, उन्होंने किसी से पूछा नहीं, उनके पास तो संविधान हो नहीं सकता। तो उनको कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट है कि पार्टी को पूछते, किसी को प्रेसिडेंट से बात करते, वो भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, कि भाई ऐसे ऐसे लोग आए हैं क्या करें। तो हम कहते हैं सर आप तो कर ही नहीं सकते, ये तो हमारा पार्टी का जो पार्लियामेंट्री बोर्ड है उसको पावर है। तो जब उनकी जानकारी में नहीं है और कोई गुमराह करके अगर कोई ऑर्डर करा ले तो रिव्यू की पावर होती है, तो उसी रिव्यू के लिए हम उनके स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं। या क्या लगता है सर कि ओम बिरला जल्दबाजी किए उन 5 सांसदों के उनकी बात को सुनने में? होता है, कई बार होता है, कई कारण होते हैं, नॉन एप्लीकेशन ऑफ माइंड होता है, तो उसको अब संज्ञान में दिया जाएगा। तो एक अंतिम प्रश्न है कि आप लोगों ने भी लेटर भेजा है लोकसभा अध्यक्ष के पास, अभी तक जवाब नहीं आया, कहीं लेट हो रही है सर? नहीं, अब उनका तरीका है, टाइम कितना लेंगे लेंगे, उसके बाद हम जो जरूरी कार्रवाई होगी। चलिए, शुक्रिया सर, थैंक यू। चिराग पासवान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मतलब अगर जानकारी नहीं है चीज़ों की तो गुमराह करने से राजनीति नहीं होती। तो हम इलेक्शन कमीशन को भी ये रिक्वेस्ट करने जा रहे हैं कि अगर कोई आपके पास किसी प्रार्थना पत्र के साथ आता है तो कृपया कृपया कोई कार्रवाई न करें जब तक हमको न सुने। तो उसी रिव्यू के लिए हम उनके स्पीकर साहब के पास जा रहे हैं।